तो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, राइट। मैं लिख रहा हूँ, अभी साथ साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है? ध्यान से। देखो कर रहा है, थोड़ा इधर आ जा। हाँ जी, तो फर्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? क्या नहीं, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना? फर्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? वो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा, राइट। एंड टी वन क्वांटिटी क्या है? टेन थीटा की पार टेन थीटा, टेन की पार कॉट, कॉट की पार कॉट, कॉट की पार टेन, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट। ये चीज तो क्लियर है कि इसके बीच में इनका बिहेवियर क्या रहेगा, सेम, मतलब जो बड़ा वो बड़ा रहेगा, जो छोटा वो छोटा रहेगा, इनकी वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, लेकिन जो बड़ी चीज है वो बड़ी रहेगी। तो इनका एग्जैक्ट ऑर्डर ढूंढने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर इनपुट पे वैल्यू देख सकता हूँ सबकी क्या होगी। अब देखो, हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है, राइट, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बढ़ता 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 कहाँ तक जाता है? वो इन्फिनिटी। तो टेन थीटा जो है वो 1 to infinity बिलोंग करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो कभी ना कभी किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए वो एग्जैक्टली 2 भी होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो लेट से टेन थीटा इज 2, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा इन दैट केस? 1/2। वो इसी एंगल को, इसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए होगा कभी ना कभी। तो इन दैट केस जो बिहेवियर मेरा इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आएगा, वही मैं उसको जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा। तो टी वन की वैल्यू क्या आ रही है? टेन की पार टेन, तो क्या आ जाएगा? 2 की पार 2, दैट इज 4। टी टू क्या आ रहा है? 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 इज √2, 1.414। टी थ्री कॉट की पार कॉट, कॉट की पार कॉट क्या आ रहा है? 1/2 की पार 1/2, तो दैट इज 1/√2, और √2/2 1.414 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.707। एंड टी फोर, टी फोर क्या आ रहा है? कॉट की पार 10, तो 1/2 की पार 2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। अब ध्यान से देखो, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर सकते हो इसको, राइट। यहाँ पे मेन चीज क्या आती सीखने वाली, कि अगर एक पूरे इंटरवल के अंदर मेरे को सेम बिहेवियर है,
दे रहा है वो सेम बिहेवियर है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू को वैल्यूएट कर लो, वही उस पूरे के पूरे इंटरवल का बिहेवियर होगा। हाँ जी, इसके बीच बीच में कोई ना कोई एंगल आएगा जब ये चीज होगी, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है, तो कभी ना कभी 2 तो आएगा। वी डू नॉट केयर अबाउट दी एंगल ना, आएगा ना कभी ना कभी, तो उसके लिए कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, तो बस वो वाली वैल्यू के लिए हमने निकाल लिया, सर, क्योंकि जो अपने रिस्ट्रिक्शन में। हाँ जी, जो तुसे क्या कि बिहेवियर इको जहा रहूगा, और तुसी ग्राफ तो देखा कि जस्ट कि एक इंटरवल देता है इसलिए इक्वल रहूगा। नहीं इंटरवल देता है तो वो इंटरवल में जो नो इंक्रीजिंग ऑर्डर से पहुंच रहा है, दैट मीन तो पूरे इंटरवल में जो बिहेवियर सेम होगा, मतलब जेड़ा बड़ा है उत्ते थल्ले जरूर होएगा, मैं वही कह रहा हूं, बट एट द एंड रहेगा बड़ा ही, जब डीजेडी चीज वो बड़ी रहेगी, छोटी चीज छोटी रहेगी। एंड 2 लेना जरूरी है कि कोई भी नंबर ले सकते हैं? हाँ थ्री का ला, मतलब 2 दी वैल्यू इवैल्यूएट करना इजी होता है, √2 वगैरह दी, तो थ्री का तो होगा। जरूरी नहीं कुछ भी हो सकता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है उसका पीरियड क्या। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन रीड कर दे एक बार, इकट्ठे बाद में लिखना प्लीज, बीच बीच में प्लीज मेरे को कहने के लिए मजबूर मत करो प्लीज। इधर क्वेश्चन टू रीड कर लो, इफ ए प्लस बी इज 45 डिग्री, तो प्रूव करना है कि 1 + 10 ए इंटू 1 + 10 बी इज 2 एंड 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, सो टिल 1 + 10 45 डिग्री जो है, ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो 2 की पर के बराबर है, तो के क्या होगा अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, तो अगर तो ए प्लस बी मेरा 45 डिग्री है एंड टेन ए एंड टेन बी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ टेन ले लिया, तो टेन ए प्लस बी क्या जाएगा इधर, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 - टेन ए टेन बी, दैट इज टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री क्या जाएगा 1, तो टेन ए प्लस टेन बी दैट इज 1 - टेन ए टेन बी, इसको इधर ले आओ, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू 1, ये 1 इधर ही रहा, अब इसके अंदर मैंने प्लस 1 कर दिया, तो ये बन गया 1 कॉमन लेके 1 + टेन ए, टेन बी कॉमन लेके इन दोनों में से 1 + टेन ए, तो 1 + टेन ए इंटू क्या बना 1 + टेन बी, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो ये चीज तो भैया प्रूव हो गई राइट। अब इस चीज को वैल्यूएट करना है, अब ध्यान से देखो, जो 1 + टेन डिग्री है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो आएगी 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, सो ऑन टिल 43 डिग्री, 44 डिग्री एंड 45 डिग्री राइट। तो 1 का 44 डिग्री के साथ एडिशन क्या आ रहा है 45 डिग्री, तो इन दोनों का, इन दोनों के टेन का ये वाला जो रूल है वो 2 देगा, यानी कि 1 डिग्री के लिए 1 + टेन 1 डिग्री एंड 44 डिग्री के लिए 1 + टेन 44 डिग्री, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 2, ये चीज को यूज करते हैं। देन 2 डिग्री एंड 43 डिग्री का कॉम्बिनेशन अगेन क्या देगा 1 और 2, ऐसे कितने पेयरिंग बनेंगे टोटल, हाँ 22 पेयरिंग बनेंगे, तो 1 से लेकर 44 डिग्री तक का मेरा क्या आंसर आएगा 2 2 2 22 टाइम, तो 2 की पार, और ये जो 45 डिग्री वाला जो लास्ट वाला इसका कॉम्बिनेशन है 45 डिग्री 1 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा साथ में 1 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 की पार 23, तो कंपैरिजन से के की वैल्यू क्या आएगी 23। ये क्लियर हुआ? चार, अगला देखो क्वेश्चन रीड कर लो। दो एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और बीटा प्लस गामा इज अल्फा दे रखा है, तो पूछा जा रहा है कि प्रूव करो टेन अल्फा जो है वो टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा के बराबर होगा, ये समझे राइट। जो चीज प्रूव करनी है, या टेन अल्फा इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शन है, तो जो चीज पूछ रहा है वो चीज ऑलरेडी दे रखी है बाय द वे, क्या कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन दे रखा है, उनका टेन का आपस में रिलेशन, तो सबसे पहला दिमाग तो ये काम करता है कि भैया इनका टेन का आपस में रिलेशन निकालो, इनका यहाँ पे दोनों तरफ टेन ले लो, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा टेन बीटा प्लस, तो टेन बीटा प्लस टेन गामा ओवर 1 - टेन बीटा टेन गामा, ये रिलेशन आ जाएगा राइट। अब यहाँ पे बच्चा ये सोचता है यार ये रिलेशन मेरा ये बन जाना चाहिए था, बट इसमें पंगा ये आ रहा है कि अभी तक हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसको यूज ही नहीं किया राइट। अब उसको यूज करने के लिए हमने क्या किया,
जो अल्फा प्लस बीटा हमें 90 डिग्री दे रखा है, अल्फा को लिखा पाई बाय टू माइनस बीटा, बीटा को इस तरफ ले आए, ठीक है, बीटा को इस तरफ ले आए। अब दोनों तरफ टैन लिया तो क्या आ जाएगा, टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस बीटा। टैन 90 माइनस बीटा क्या होता है, कॉट बीटा, दैट इज 1 बाय टैन बीटा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, 1। तो टैन अल्फा इंटू टैन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस चीज को यूज करना है, तो इस चीज को यूज करने के लिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टेन अल्फा इंटू वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का प्रोडक्ट, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का प्रोडक्ट, दैट इज टेन बीटा प्लस टेन गामा। तो ये चीज चली गई 1, ये तो 1 हो गया, क्यों, क्योंकि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 है, तो ये 1 हो गया। तो बचा माइनस टेन गामा, माइनस टेन गामा उधर जाके क्या हो जाएगा, टू टेन गामा एंड ये टेन बीटा एज इट इज, और इधर आ गया टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू टू टेन गामा प्लस टेन, मतलब ये दोनों रिलेशन मेरे देखो अल्फा बीटा गामा के, टेन के। क्लियर हुआ, शॉर्ट जल्दी अब करो। एक मिनट हो गया। सो जो सेकंड क्वेश्चन हाँ जी, है, आपने जो फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रूव दैट वाली, जो हमने टू को प्रूव किया, उसको यूज करके सेकंड कैसे किया? तो टेन 1 डिग्री वाला तो स्टेटमेंट है, और इसके पहले जो 44 डिग्री वाला होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 45 डिग्री है। फिर 2 डिग्री वाला एंड 43 डिग्री वाला जो है उनका कॉम्बिनेशन 2 जाएगा। फिर 3 वाला एंड 42 वाला जो है वो जाएगा। तो जिनका सम जा रहा है 45 डिग्री उनका कॉम्बिनेशन जो है वो 2 जा रहा है, राइट। जैसे कितने पेयरिंग बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 22, तो 2 की बार 22 जाएगा। और लास्ट वाला जो 45 डिग्री वाला है, राइट, वो भी क्या जाएगा हमारा 2, क्योंकि 45 डिग्री 1 1 प्लस 1 2, तो टोटल 23 2। हाँ जी, ऑनलाइन बोलो। एक ये मिनट, हाँ होगा, जी, नव्या क्या बोल रहे हो? ये हर बार यूज होगी कि ऊपर वाली कंडीशन को यूज करके हमने सेकंड करनी है? नहीं, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ओके, ओके चले। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर देखने में एक ही चीज क्वेश्चन के अंदर ऑड वन आउट है, वो है कॉट, क्योंकि बाकी सारी की सारी टर्म क्या है, टैन की। तो वहीं से अप्रोच करना शुरू करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए एंगल सेम होना चाहिए, तो इसको मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। तो ये बन जाएगा 4 tan 4 alpha प्लस ये 8 ऊपर, नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में 10 8 अल्फा, उसका हाफ एंगल लगाया तो क्या आ जाएगा, 2 tan 4 alpha 1 minus tan square 4 alpha। इन दोनों का सम, ये कटा, ये आ गया 4, तो ये 4 एंड ये 4 कॉमन आ गया। एलसीएम लेके ये इधर गया, तो 10 square 4 alpha प्लस 1 minus tan square 4 alpha डिवाइडेड बाय 10 4 alpha, ये और ये कटा, तो ये आ गया 4 cot 4 alpha। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन है, इसका एग्जैक्टली हाफ है 8 8 का, राइट, और कॉट का 10 के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो क्या करेगा, इसको हाफ कर देगा, इसको हाफ कर देगा, मतलब इसकी जगह 4 इसकी जगह 4 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है मेरा, 4 cot 4 alpha। अब जब उसको मैं इसके साथ करूंगा, देखो अगेन इसी के हाफ हाफ का 10, जब इसके साथ अगले के साथ कंबाइन करूंगा फिर इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को क्या देगा, 2 cot 2 alpha। फिर उसका फिर से 1 dot 1 tan alpha, फिर अपने हाफ के साथ कंबाइन हुआ तो फिर क्या मिलेगा मेरे को, फिर इसका हाफ हो जाएगा, तो 1 dot cot alpha, और बेसिकली क्या बचेगा, cot alpha। और वही चीज अपने को प्रूव करनी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना कई काफी बार तुम्हें पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट, और वो पैटर्न क्या करेगा, एक्चुअली में 3 गुना मेहनत को सिर्फ 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, 1/3 तुम्हारा काम कर देगा। अगर मैंने पहले 2 के अंदर पैटर्न पहचान लिया, वही पैटर्न आगे कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो ये पैटर्न भी देखना अपने को, जल्दी करो। दोबारा बताना सर।
देख तनिष, मैंने क्या बोला कि इधर अगर 8 cot 8 alpha है, उसका कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली उसके हाफ के साथ हो रहा है, 8 की जगह 4, एंड इधर 8 alpha की जगह 4 alpha, cot का कॉम्बिनेशन 10 के साथ, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 cot और 4 alpha, यानी कि इसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, 4 बन जाएगा, इधर cot का cot, इधर 4 alpha बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, एट का अपने हाफ के साथ कोट का 10 के साथ कंबाइन किया तो एग्जैक्टली इसका हाफ हो गया, तो वो आ गया 4 cot 4 alpha। अब एग्जैक्टली उसका अगली टर्म क्या है, 2 cot 2 tan 2 alpha, तो वो भी इसका हाफ ही है। तो अगेन ये चीज जब इसके साथ मतलब अपना कंबाइन करेगा तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ होने का मतलब 2 cot 2 alpha आ जाएगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 cot 2 alpha। फिर जब ये चीज 1 tan 1 alpha के साथ कंबाइन होगी, फिर से इसका हाफ हो जाएगा, वो बन जाएगा 1 dot cot 1 alpha, तो बेसिकली बन जाएगा cot alpha। ये चीज थी। हाँ देखो, क्वेश्चन ही है, ठीक है, जिसको ऐसे कंसेप्ट कराया जाता है, अप्रोच बतानी है इस टाइप के क्वेश्चन की क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री का ये है, प्लीज इधर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए एन, कोस थीटा प्लस कोस फाई दैट इज इक्वल टू बी। अब इसके अंदर से वो ए एन बी की टर्म्स में पूछ सकता है, टेन का हाफ एंगल अल्फा प्लस बीटा बाय टू, कोस का, साइन का, राइट, या फिर टेन अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या क्या पूछ सकता है वो, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, अल्फा माइनस बीटा बाय टू, किसका किसका, साइन कोस टेन, किसी का भी पूछ सकता है वो, क्या होगा, राइट। तो तीन तरीके से इन क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, राइट, तीन तरीके हैं हमारे पास अप्रोच करने के, तीनों से तीनों तरीके बता रहा हूँ, वहीं से हमारे पास सारी की सारी चीजें मिलनी शुरू हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है स्केयरिंग एंड एडिंग, थीटा 1 थीटा 5 है बेसिकली, थीटा 5, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहली चीज है स्केयरिंग एंड एडिंग, तो स्केयरिंग एंड एडिंग करके क्या जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 sin θ sin φ दैट इज ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 cos θ cos φ दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इनको ऐड कर दो तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या बन गया 2, प्लस 2 कॉमन इनका, और क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 को उधर ले जाओ और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कॉस थीटा माइनस फाइव इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, तो यहां से मेरे को कॉस थीटा माइनस फाइव मिला। अब यहां से मैं इसको कॉस के हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका हाफ एंगल में कन्वर्ट, कॉस की टर्म है ना, तो इसका कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला कॉस की टर्म में यूज करके इसका कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू भी मिल सकता है, साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करके साइन थीटा माइनस फाइव बाय टू भी मिल सकता है, और दोनों को डिवाइड करके टेन भी मिल सकता है, इनफैक्ट डायरेक्टली टेन का हाफ एंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो कोस के तीनों के फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। तो मेरे को ये चीज और ये चीज मिल सकती है। अच्छा, अगर कोस आ गया तो मैं ट्राइंगल रूल यूज करके, राइट, ये आइडेंटिटीज यूज करके मैं साइन भी निकाल सकता हूँ, टेन भी निकाल सकता हूँ, ये समझे। तो यस, अगर एक भी चीज मिल गई उससे बाकी सारी की सारी चीजें कैसे निकाले वो चीज पता होने के लिए, ठीक है। अब ये आ गई पहली अप्रोच, जिसके अंदर क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को स्केलिंग करके ऐड करना आइडेंटिटीज, मैंने इसीलिए साथ में बोल दिया आइडेंटिटीज, इसलिए मैंने बोल दिया आइडेंटिटीज, उसके अंदर प्लस माइनस जरूर आएगा, लेकिन उसके अंदर फिर थीटा एंड फाई हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कुछ ना कुछ, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनकी वैल्यू निकाल, प्रेफर करो आइडेंटिटीज, बट ट्रायंगल रूल एक्चुअली में गलत नहीं होता, स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो गलत मेथड है, मेथड सही है, वो स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बोलते हैं आइडेंटिटी से कम, तो कर सकते हैं ऑब्वियसली। और अगर
हाँ कुछ भी कर सकते हो, ऑब्वियसली कुछ भी। दूसरा है जो साइन सी प्लस एन डी, साइन सी माइनस एन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, पहले वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो सी एन डी सी प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूला, राइट। सी एन डी ने लिखा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होना, कंफ्यूज ना होता। तो क्या जाएगा इधर, टू साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू ए, एंड टू कॉस थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 इज बी। अब ये लगाने के बाद दो ऑप्शन है मेरे पास, राइट। पहला डिवाइड एंड दूसरा केयरिंग एंड एडिंग, फिर से ठीक है। पहले अगर मैंने डिवाइड किया था तो ये और ये कटेगा, ये टू टू कटा, क्या बना टेन सीटा प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू ए बाय बी। अब यार अगर टेन का हाफ एंगल आ गया तो मैं इसका डबल एंगल टेन की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, डबल एंगल साइन की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, डबल एंगल कॉस की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ। तो साइन क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस 5, इसका साइन का डबल एंगल दैट इज टू टेन थीटा प्लस 5/2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2, राइट। साइन थीटा साइन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसका टेन का जो डबल एंगल वाला फॉर्मूला, सॉरी साइन का डबल एंगल वाला फॉर्मूला, वहां से मैं साइन का डबल एंगल भी निकाल सकता हूँ, कॉस का भी निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा प्लस 5 क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2, नीचे प्लस आएगा, राइट। अच्छा टेन का भी निकाल सकते हैं, टेन का तो डायरेक्टली डबल एंगल आ जाएगा। तो कहने का मतलब टेन का थीटा प्लस 5/2 आया तो मैं ट्रायंगल रूल यूज करके साइन कॉस वगैरह कुछ भी निकाल सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके बाकी भी आ जाएंगे, और मैं डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करके साइन का थीटा प्लस बाई कॉस थीटा प्लस बाई टेन थीटा प्लस बाई ये सारी की सारी चीजें भी निकाल सकता हूँ। तो इससे थीटा प्लस 5 मिल जाएगा, इससे थीटा माइनस 5 मिल जाएगा। अब ये लगाने के बाद लेट सी स्केयरिंग एंड एडिंग मेरे को क्या देगा। अब इनका स्केयर करके ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन, तो क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और दोनों का एंगल सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 से डिवाइड कर दिया, राइट, कॉस आ गया, या स्क्वायर रूट करके कॉस आ जाएगा, या इसी को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा तो साइन का भी आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंस का भी हाफ एंगल यहां से मिल सकता है, दो तरीके हैं, या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो। ये चीज क्लियर हुआ, चार मैं अप्रोचेस क्लियर हुआ, ये तीन अप्रोचेस है जो हम कर सकते हैं इसके अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। जल्दी डिवाइड, सेम डिवाइड,
इसके अंदर रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स नहीं है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब यार एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर वाले जो है, रियल नंबर पॉजिटिव वाले हैं, वो सारे के सारे इनपुट जाएंगे, और वो सारे के सारे इनपुट जाने के बाद अब साइन की पूरी वेव जो है वो पॉजिटिव में तो बनती है, राइट। साइन का पॉजिटिव वाला पार्ट ले लो, पूरी की पूरी वेव तो बनती है। इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा आउटपुट तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इनपुट तो जा ही रहा है। ये समझ में आया? ये सारा का सारा इनपुट जाने के बाद वो सारा का सारा आउटपुट तो आएगा ही आएगा, पूरी की पूरी वेव बनेगी बनेगी, हाँ, बट थोड़ी इरेगुलर बनेगी ड्यू टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि लीनियर नहीं है अभी, बट बनेगी जरूर। अब अगर ऐसा है, यानी कि इसका आउटपुट जो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट -1 to 1 तो आएगा ही आएगा। बच्चों को जनरली ये लगता है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनपुट जा रहा है तो आउटपुट नेगेटिव कैसे आ सकता है? आउटपुट भैया पॉजिटिव इनपुट जाने पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव में भी लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट जा रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सारा का सारा पूरा का पूरा वेव बन सकता है। तो क्या आएगा इधर भी? -1 to 1, राइट। अच्छा ये अपना मेथड अलजेब्रिक वाला है, राइट, कि पहले इसका रेंज लेंगे, दैट इज -1 to 1, उसके अंदर +2 करेंगे तो +2 दोनों के अंदर करके क्या आ जाएगा? 1 to 3। उसके बाद उसका करेंगे स्केयर, तो स्केयर करके क्या आ जाएगा? 1 से लेके 9। फिर उसके अंदर क्या करेंगे? +1, और +1 करके क्या आ जाएगा? 2 से लेके 10। तो ये इसका रेंज आ जाएगा, राइट। अच्छा पंगा इसमें नहीं आएगा, पंगा स्केयरिंग में आएगा, कब? जब नेगेटिव वाला पार्ट भी होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट भी होगा। जैसे साइन एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, ये करना, राइट। तो साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 to 1, इसके अंदर हाफ किया, फिर स्क्वायर किया, तो हाफ करने के बाद क्या जाएगा? ये -1/2 से लेके 1+1/2, दैट इज 3/2। अब इस इंटरवल का स्केयरिंग करना, अब इस इंटरवल का स्केयरिंग करने का मतलब ये है कि मेरे पास -1/2 से 0 भी है एंड 3/2 भी है, तो नेगेटिव वाला पार्ट भी है, पॉजिटिव वाला पार्ट भी है, और स्केयरिंग करने पे दोनों क्या बन जाते हैं? मतलब सेम पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव वाले पार्ट का अलग से स्केयरिंग करूंगा 0 से 9/4, एंड नेगेटिव वाले पार्ट का अलग से स्केयरिंग करूंगा 0 से 1/4, एंड दोनों का यूनियन करके क्या आ जाएगा? 0 से 9/4। इस तरीके से करेंगे स्केयरिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाले पार्ट का अलग से करेंगे, क्योंकि दोनों का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, फिर दोनों का क्या करेंगे? आइदर दिस और दिस यूनियन। ये समझ में आया, राइट। अच्छा मान लो इसी का रेसिप्रोकल है, 1/sin x + 1/2 का रेसिप्रोकल। अब स्केयरिंग नहीं है, अब रेसिप्रोकल है, तो अब मेरे को बेसिकली ये वाला इंटरवल का क्या करना है? रेसिप्रोकल, मतलब मेरे को ये वाला इंटरवल का 0 -1/2 एंड 3/2 का क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने के लिए मैंने ये देखा, जैसे जैसे मैं 0 से इधर जाऊंगा, राइट, जैसे जैसे मैं 0 से -1/2 की तरफ जाऊंगा, तो क्या होगा? इन्फिनिटी से उसका रेसिप्रोकल -∞ से शुरू होगा, और वो कहां तक जाएगा? -1/2 के रेसिप्रोकल तक, दैट इज -2 तक। तो इसका रेसिप्रोकल याद आएगा। ऐसे ही ये 0 से 3/2 तक जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी से शुरू होकर कहां तक आएगा? इसके रेसिप्रोकल 2/3 तक। तो मेरा फाइनली क्या बन जाएगा? -∞ से -2 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी, ये आएगा इसका रेसिप्रोकल। मतलब रेसिप्रोकल करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि अगर एक वैल्यू 0 से -negative की तरफ जाए, तो उसका रेसिप्रोकल -∞ से उस वैल्यू के रेसिप्रोकल की तरफ जाएगा, और अगर एक वैल्यू 0 से उस एक पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रही है, तो उसका रेसिप्रोकल +∞ से उस पर्टिकुलर नंबर के रेसिप्रोकल की तरफ जाएगा। ये फंडा है इसके अंदर, ये क्लियर हुआ? आगे ये देखने में बड़ा इजी लग रहा है, 4 tan x into cos x। तो बच्चा क्या बोलता है? इसको साइन बाय कॉस लिखा, कॉस कॉस कटा, तो 4 sin बन गया, तो -4 से 4, राइट। बट ध्यान से देखो, इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक है कि y = 4 sin x / cos x into cos x। तो cos x को काटने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो व्हेन cos x इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली कट करके क्या बन जाएगा? ये 4 sin x। अब cos x 0 कब होता है? मतलब थीटा 90 डिग्री, 270 डिग्री वगैरह नहीं होने चाहिए, राइट। तो बेसिकली थीटा जो है, जो एक्स है, दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री,
270 डिग्री, दोनों ले लिए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब 90 डिग्री पे क्या होता है साइन, मतलब 90 डिग्री इसके अंदर इनपुट नहीं जा सकता, तो 90 डिग्री इनपुट जाके साइन की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कि ये बन जाएगा ओवरऑल 4, यानी कि ये 4 नहीं हो सकता, कभी 4 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर मैं कभी भी एक्स को 90 डिग्री पुट कर ही नहीं सकता, और ना ही 270 डिग्री पे जो -4 आएगा वो भी नहीं हो सकता। अब इसका एक्चुअली रेंज क्या आ रहा है, -1 to 1 into 4, -4 to 4, तो -4 to 4 जरूर है लेकिन एग्जैक्टली एंड पॉइंट -4 and 4 नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फिर, -4 to 4 बट ओपन ब्रैकेट, ये आएगा इसका आंसर। एंड ओपन ब्रैकेट क्यों है, क्यों? क्योंकि जिसको कट कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। उसी के लिए क्लियर हुआ है, श्योर? अच्छा अब अगला देखो, इसको कराने के लिए ना मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, बाकी नोट करो जरा जल्दी। हाँ जी देखो, अब साइन का आउटपुट क्या होता है -1 to 1, तो वो कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है। प्लीज ध्यान से देख लो भाई, देख ले साइन का आउटपुट क्या होता है -1 to 1, वो कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है, तो कॉस के अंदर ध्यान से देखो, कॉस का जो ग्राफ है ये होता है π/2, यानी कि 3.14 / 2 -π/2 ना, तो -1.57, तो -1 यहाँ पे कहीं पे होगा और 1 यहाँ पे, तो ये इनपुट जा रहा है, तो इसके लिए आउटपुट आएगा ये, ग्राफ बनेगा ये, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ से लेके ये सारी के सारी लाइन, तो ये आउटपुट आएगा। और ये आउटपुट क्या आ रहा है, जो 1 इनपुट देने पे आउटपुट आ रहा है, 1 इनपुट देने पे क्या आउटपुट आ रहा है, cos 1, जब साइन इनपुट बेसिकली साइन का आउटपुट 1 हो जाएगा जब, तो आउटपुट क्या आएगा इसका cos 1, तो cos 1 से लेके हाइट बढ़ते 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 कहाँ तक जा रही है, 1 तक, आउटपुट आया cos 1 से लेके 1, ठीक है। अब जब ये जाएगा, हाँ अब ये चीज 2 sin x, तो sin x का आउटपुट -1 to 1, इंटू 2 किया तो -2, अब इनपुट जा रहा है -2 से 2, राइट, अब इनपुट जा रहा है यहां तक, तो ये इनपुट जा रहा है। अब ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला तो बनेगा बनेगा, सिमिलरली इधर नेगेटिव वाला भी बन जाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इसका आउटपुट सेम आता है, सिमेट्रिक होता है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात करूंगा। अब यहां से लेके ये सारा का सारा आउटपुट आएगा, तो कॉस ऑफ 2 से लेके इस बार 1 तक जाएगा, इस बार याद आए ये समझे। अब इसमें क्या आएगा, -1 to 1 into 3, तो -3 से 3, तो कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है -3 से 3, तो 3 कहां तक आएगा, देखो ये क्या है पाई, तो 3 आएगा जस्ट इसके पहले, क्योंकि 3.14 है, तो 3 का मतलब यहां तक, अगेन बिल्कुल जो बिल्कुल प्रॉपर वो जो है डिप, वो अभी भी टच नहीं हुई, उसके जस्ट पहले, तो क्या आउटपुट आएगा, अब ये सारे के सारे आएंगे, दैट इज कॉस 3 से लेके 1। अब जैसे वो कॉस 4 चला जाएगा, ये जाएगा -4 से 4, राइट, साइन -1 to 1 4 से मल्टीप्लाई हो गया -4 से 4, तो कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है अब यहां पे आएगा, तो अब ये वाला आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखो ऐसे, ये पाए एंड 4 आएगा यहां पे, अब आएगा देखो ये सारा ये वाला आउटपुट, अब यहां से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वो यहां से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, पहले आ रहा नीचे की तरफ, तो पहले यहां से आएगा नीचे की तरफ कहां तक, -1 तक, फिर वापस -1 से ऊपर जाएगा वो 1 तक, तो प्रॉपरली सारा का सारा -1 to 1 आउटपुट आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर तो -1 to 1 जाएगा ही जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ श्योर? कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर एक मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर वैसे भी हमें किस तरीके से देखना पड़ता है कि जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका रेंज देखना पड़ता है क्या आ रहा है, वो अगले वाले के अंदर इनपुट देना पड़ता है, उस इनपुट पे देखना पड़ता है कि अगले वाले फंक्शन के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ जी ऑनलाइन बोलो क्या बोल रहे हो सर, लास्ट वाला जो है cos of 4 sin x ही दोबारा, तो इसके अंदर sin -1 to 1 into 4 -4 to 4, यानी cos के अंदर इनपुट जा रहा है बच्चे -4 to 4। अब नेगेटिव वाला पार्ट हटा के मैं पॉजिटिव वाले पे देख रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक होता है cos, तो जो पॉजिटिव आउटपुट आएगा वही नेगेटिव पे आएगा,
तो मैंने लिया जीरो से लेके फोर, ये पाई आ गया, इससे आगे जाएगा फोर। तो देखो ये वो सारा का सारा ग्राफ बनेगा। तो पहले फोर से जब वो इस तरफ इनपुट लेके जा रहा हूँ, तो फोर से जब वो इस तरफ ग्राफ जाएगा तो पहले नीचे की तरफ जाएगा, तो कॉस फोर जो फोर पे आउटपुट आ रहा है कॉस फोर, तो वहां से वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी नीचे की तरफ मतलब माइनस वन तक जाएगा, फिर माइनस वन से वन तक जाएगा, तो ओवरऑल आउटपुट माइनस वन बना, ये मैंने बताया। ठीक है सर, सिर्फ पॉजिटिव के लिए है दूसरी रेंज में सिमेट्री का ना, जो इधर का आउटपुट है वही इधर का आउटपुट है, जी मैं बोला वो भी ठीक रहेगा सर, बोला है ना इको का ना साइन दे विच नहीं कर सकते इधर, वो दे विच फिर यूनियन कर देगी ये सर। हाँ दोनों ने यूनियन करना पड़े बिल्कुल। ये वाला ऐसा ग्राफ है ना, तो वन है यहाँ पे, ये है माइनस वन, तो तेरा ये इनपुट जा रहा है, तो ग्राफ बन रहा है तेरा ये वाला, इसके अंदर हाइट का वेरिएशन देख। अब देख ये वाली हाइट जब वन पे हाइट आ रही है सबसे कम, तो वो हाइट क्या होगी कॉस वन, वन इनपुट जाने पे आउटपुट क्या आएगा कॉस वन, राइट। फिर हाइट बड़ी 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 बड़ी, तो बढ़ते 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 बढ़ते, बढ़ते कहाँ तक जा रही है वन तक, तो कॉस वन से वन तक जा रहा है हाइट, देख इस बारे में नहीं, उसके अंदर फिर वो कॉस टू से वन तक जा रहा है, टू यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसकी हाइट आएगी कॉस टू से वन तक, और उसका अगले वाला ये कॉस थ्री से वन तक, और उसका अगले वाला फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले वो नीचे की तरफ आएगा तो माइनस वन तक जाएगा, फिर माइनस वन से वन तक जाएगा, ऐसे नहीं पाई है 3.14 है, देखना पड़ेगा दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, 3.14 या पाई, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। अगर तो पाई इंटू साइन एक्स है फिर तो भैया -1 to 1 ही आया, ठीक है ना। अच्छा अब इधर देखो जरा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो इसका रेंज क्या आएगा, माइनस रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर से लेके रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर तक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। कहां से आया कैसे आया, इसको हमने क्या किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड दोनों को अलग अलग करके ये बन जाएगा ए बाय रूट ऑफ इंटू साइन थीटा प्लस बी बाय रूट ऑफ इंटू कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब मैंने एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल कंसीडर किया, राइट, जिसके अंदर ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या लेके जा रहे, ठीक है। अच्छा अगर मैंने ये ए लिया ये बी लिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, एंड क्योंकि ए बी फिक्स है तो ये वाला एंगल फिक्स हो जाएगा, लेट से अल्फा, तो ए बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बाय दिस क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा, एंड सिमिलरली ये आएगा उसी ट्राइंगल का साइन अल्फा, तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, तो बन जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी 1, मिनिमम वैल्यू -1, वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा इसी का नेगेटिव से लेके इसी के पॉजिटिव, तो इसका मेथड होता निकालने का, ये चीज क्लियर हुआ। तो याद रखना साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के अंदर वी हैव टू मेक श्योर, सबसे पहले ये रूल लगाने के लिए इन दोनों का अंदर का एंगल क्या होना चाहिए सेम, अगर नहीं है तो पहले उसको सेम करो, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल टू आ जाए a साइन या फिर चलो 2 साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस cos x एंड प्लस 2, मान लो ये आ जाए। अब मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ए स्क्वायर पर बीच का रूट नहीं लगा सकता क्योंकि एक के अंदर एंगल x है, दूसरे के अंदर क्या x प्लस 30 डिग्री, तो पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो 2 साइन x
cos 30 प्लस क्या जाएगा, टू cos x sin 30 प्लस cos x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos 30 डिग्री क्या रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, रूट थ्री साइन एक्स प्लस ये वन बाय टू, टू टू करके आ जाएगा cos x, cos x प्लस cos x, टू cos x प्लस टू। अब इसके ऊपर मेरा लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो इस पर्टिकुलर पार्ट का रेंज क्या आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस करके सेवन अंडर, तो माइनस रूट सेवन से लेके रूट सेवन। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस टू, तो आ जाएगा टू माइनस रूट सेवन से लेके टू प्लस रूट सेवन, तो ये इसका एक्चुअल आउटपुट आएगा। ये एक चीज क्लियर हुआ, जल्दी अच्छा रेंज के अंदर ये फाइनल पॉइंट है, अगर तो रेसिप्रोकल टर्म्स यूज हो रही है, जैसे टेन है कॉट है, टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो हम एएमजीएम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे टेन एक्स प्लस कॉट एक्स है राइट, अब एएमजीएम यूज करने के लिए बाय द वे यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव भी हो सकती है राइट, तो नेगेटिव वाले पार्ट का भी क्या आउटपुट आएगा वो भी देखना है। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का ग्राफ याद रखो, वाई इक्वल टू वो क्या आता है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए वो टू से इनफिनिटी जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाले पार्ट के लिए माइनस इनफिनिटी से माइनस टू पे जाएगा। तो अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, एन भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इन दैट केस मेरा पॉजिटिव वाला आउटपुट भी आएगा, नेगेटिव वाला भी आएगा। मतलब ये जो चीज है, दिस डिवाइडेड बाय टू जो है राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट दैट इज वन, लेकिन लेस देन इक्वल टू दोनों का रूट ऑफ प्रोडक्ट का नेगेटिव भी रहेगा, मतलब माइनस वन ये भी रहेगा, ये इससे कम कम भी रहेगा। टू से मल्टीप्लाई करके मेरा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स क्या चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ये भी रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही है, तो फिर वहां पे मैं डायरेक्टली एनजीएम लगा के सिर्फ बोल सकता हूँ कि टू से बड़ा बड़ा, जैसे टेन स्केर एक्स प्लस कॉट स्केर एक्स है, अब स्केरिंग हो गई, और टेन स्केर और कॉट स्केर क्या होगा, पॉजिटिव राइट। अब अगर ये चीजें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अब मेरा ये नेगेटिव वाला पार्ट ये वाला तो बनेगा ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट करके वन, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वी हैव टू मेक श्योर कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा अब मान लो ऐसा है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है, बट यस इनको ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, वन प्लस, और इसको वन प्लस, अब ये बन गया टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यहाँ पे एमजीएम लग सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, टू से बड़ा बड़ा, तो ये आया ना अभी हमारा टू टू इंफिनिटी, और इसके अंदर टू एड कर दो तो फोर टू, तो भैया इसका आउटपुट जाएगा फोर टू इंफिनिटी। क्लियर हुआ राइट, तो एएमजीएम का यस यूज किया जा सकता है, बस याद रखना ये नॉर्मल के अंदर भी चलेगा, क्या कि जिन नंबर पे एएमजीएम लगा रहे हैं अगर वो उनके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी उनकी पॉसिबल है, तो यस उसका नेगेटिव वाला पार्ट भी आउटपुट आएगा, दैट इज माइनस इनफिनिटी से माइनस टू भी आएगा, यूनियन पॉजिटिव वाले का टू टू इनफिनिटी, ये दोनों आएंगे। क्लियर हुआ, कर लो जल्दी, मतलब जनरली ऐसा है फिर हमारे लिए कि एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड इज लेस देन इक्वल टू माइनस जी, इस तरीके से जाएगा। क्या टू से मल्टीप्लाई करो ना, ये जो है ये ए प्लस वन बाय ए एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो टू इधर से आया मल्टीप्लाई कर, लेस देन इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस रिप्रेजेंटेशन पार्ट के लिए मैंने किया है।
साइन कोसाइन सीरीज ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखी थी। साइन के अंदर अगर एपी की टर्म्स आ रही है, एंगल एपी में है या कॉस के अंदर एंगल एपी में है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस फॉन्टेल साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, राइट। या फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस फॉन्टेल कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। अब इन दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एग्जैक्टली एक चीज का फर्क है। क्या आएगा इधर? साइन एन टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स टाइम कॉमन डिफरेंस बाय टू, कॉमन डिफरेंस क्या बीटा, तो बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू। इसके अंदर भी ये आएगा दैट इज साइन एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू इंटू, अब साइन की सीरीज है तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, तो अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू, एंड इधर आ जाएगा कॉस, तो कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू, याद है बाकी सब कुछ सेम, ये क्लियर हुआ श्योर। अब इसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं पहले मैं, उसके बाद बताता हूँ ये आया काम, ठीक है। जैसे इफ अल्फा इज इक्वल टू टू पाई बाय 17 फाइंड समीशन इक्वल टू आर इक्वल टू वन से लेके 8 कॉस आर अल्फा, ठीक है। अब आर की वैल्यू 1 से लेके 8 तक जा रही है तो ये क्या चला जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा प्लस टोटल कॉस 8 अल्फा, ये चला जाएगा राइट। तो क्या जाएगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है 8, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस की सीरीज है, तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस 8 अल्फा 9 अल्फा बाय टू 9 अल्फा बाय टू। अब अल्फा को पुट कर दो क्या चला जाएगा 2 पाई बाय 17, तो पुट करके चला गया साइन ये कट के आ जाएगा 4, 4 अल्फा 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 पाई बाय 17 और कॉस 9 अल्फा बाय टू, तो 9 बाय टू इंटू अल्फा, अल्फा क्या 2 पाई बाय 17, 2 2 कट के आ गया 9 पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 यानी कि पाई बाय 17, ये चीज क्लियर है राइट। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या जाएगा दोनों को ऐड करो जरा, दोनों को ऐड करके 17 पाई बाय 17 तो वो आ जाएगा पाई प्लस साइन ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करके आ जाएगा माइनस पाई बाय 17, तो माइनस बाहर आ जाएगा पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय नीचे 2 साइन पाई बाय 17, साइन 180 डिग्री जीरो हो गया राइट, एंड साइन पाई बाय 17 साइन पाई बाय 17 कटा तो क्या बचा माइनस 1 बाय 2, तो यस इस पूरी सीरीज का आंसर आ रहा है माइनस 1 बाय 2। इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लियर हुआ ये नोट करो पहले। दोनों का प्रूफ का मेथड सेम है, दो मेथड है, पहला जो सेकंड सीरीज का मेथड था हमारा बी एन माइनस सी एन माइनस वन मेथड, इसके अंदर वो वाला लगेगा यानी कि हर एक टर्म को दो के डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। अब वो लिखने के लिए हमने क्या किया ध्यान से देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को टू साइन बीटा बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो वन बाय टू साइन बीटा बाय टू, 2 साइन बीटा बाय 2 ये इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी एन टोन आएगा, तो देखो 1 बाय 2 साइन बीटा बाय 2 क्या बनेगा इधर 2 साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस करो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों का एडिशन करके आ गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म कॉस ए माइनस बी, जब मैंने दिस माइनस दिस किया तो देखो अल्फा एज इट इज बीटा माइनस बीटा बाय टू ओके क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय टू, माइनस कॉस ए प्लस बी दोनों को ऐड करूंगा तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाय टू आ जाएगा। फिर ये
cos this minus this, cos a minus b. So this minus this करके अल्फा as it is, और 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2 करके क्या आ जाएगा 3 बीटा बाय 2 माइनस कॉस दोनों का एडिशन दैट इज अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा. देखो हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ करता है राइट right? इधर ये बचेगा और लास्ट टर्म बचेगी उसके ऊपर कॉस सी माइनस कॉस सी लगा के जो टर्म बचेगी वो क्या आएगी 2 साइन ए साइन बी और वो आ जाएगी ये वाली टर्म 2 साइन ए साइन बी और वो 2 और नीचे वाला 2 कट के ये वाला फॉर्मूला बनेगा. ये अप्रोच है. क्लियर हुआ? दूसरा अप्रोच इसका है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का. क्या हमने क्या लिया e की पार अल्फा एंगल वाला राइट देन e की पार अल्फा प्लस बीटा e की पार अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस सोनटेल e की पार अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा. अब ये सॉरी आइटा भी आएगा ना साथ में आइटा बेसिकली e की पार आइटा थीटा. अब इसका ये क्या है कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा एंड सो ये सारा का सारा आ जाएगा राइट. तो इसका इस पूरी सीरीज का रियल पार्ट क्या बनेगा cos की सीरीज इस पूरी सीरीज का इमेजिनरी पार्ट क्या जाएगा साइन की सीरीज. तो इससे मेरे को दोनों मिल जाए राइट. अब ध्यान से देखो ये जीपी में जा रहा है ये जीपी है तो जीपी का सम क्या आ जाएगा e की पार आइटा अल्फा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या आ रहा है e की पार आइटा बीटा की पावर नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो इधर आ गया एन बीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय ई की पार आइटा बीटा माइनस वन. अब इसके अंदर ई की पार आइटा अल्फा को तो कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा कॉस एन बीटा प्लस आइटा साइन एन बीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा माइनस वन. सिंप्लीफाई करो उसका रियल पार्ट निकालो उसका इमेजिनरी पार्ट निकालो. रियल पार्ट होगा कॉस की सीरीज इमेजिनरी पार्ट होगा साइन की सीरीज. इसका दूसरा पार्ट है. क्लियर हुआ अप्रोच करने का तरीका? कुछ हिंट लिखने लिख लो आगे चल रहे. ये प्रूव करना राइट. ये भी लास्ट टाइप है इसके अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ठीक है. फिर कल हम जाएंगे इक्वेशन एंड आईटीएफ के ऊपर ठीक है. अब ध्यान से देखो जरा इसके अंदर 1 बाय cos n plus 1 समेशन n इक्वल टू 0 से लेके 88 करना है. तो इसका भी मेथड क्या है vn माइनस vn माइनस मतलब दो टर्म्स के सब्ट्रैक्शन की डिफरेंस के फॉर्म में तोड़ना. बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि दोनों के एंगल का डिफरेंस क्या है 1 डिग्री. ध्यान से चेक करो n प्लस 1 माइनस n करूंगा तो 1 डिग्री. अब मेरे हाथ में है मैं साइन 1 डिग्री से जो डिफरेंस आया उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ या कॉस से कर सकता हूँ. मेरे को ऐसी चीज से करना है राइट जो इसको बी एन माइनस वन में ना कि प्लस में कन्वर्ट कर माइनस में कन्वर्ट कर तभी जाके टर्म्स कटेंगे. अब अगर मैं इसको लिखता हूं ध्यान से देखो साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री बाहर एंड साथ में बचा कॉस एन प्लस वन और इस वन को लिखता हूं एन प्लस वन माइनस एन ऐसे ऑप्शन है ना. या तो कॉस भी लिख सकता हूं. अगर मैं इधर कॉस लिखता तो कॉस ए माइनस बी का रूल क्या होता है प्लस वाला. यहाँ पे वी एन प्लस वी एन माइनस वन बन जाता वो नहीं चाहिए माइनस चाहिए था इसलिए साइन से किया राइट. अच्छा अब क्या बन गया साइन एन प्लस वन कॉस एन माइनस कॉस एन प्लस वन साइन एन डिवाइडेड बाय कॉस एन cos n plus 1 divided by cos n plus 1 into 1 by sin 1 degree. ये तो cos n plus 1 कटा cos n कटा तो ये बन गया tan n plus 1 minus tan n into 1 by sin 1 degree. ये बन गया. अब शुरू हो जाओ 1 by sin 1 degree तो सबका कॉमन आ जाएगा. अब पहले सबसे पहले पुट किया 0 0 पुट करके क्या आ गया tan 1 माइनस tan 0 फिर tan 2 माइनस tan 1 tan 3 माइनस tan 2 एंड सो ऑन टिल लास्ट में 88 पुट करके जाएगा tan 88 प्लस 1 89 माइनस tan 88. और देखो हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ करता
बचेगा 10 0 तो 0 बचा 10 89, और मेरे को दोनों को 1 1 में प्रूव करना है। तो इसको लिखा 90 माइनस 1, तो 10 90 माइनस 1 है कॉट 1, तो ये बन गया कॉट 1 डिवाइडेड बाय साइन 1। साइन 1 ऊपर आके क्या हो गया, कोसेकेंट 1 बन गया। तो एडजेंट काम क्या किया, अगेन Vn माइनस Vn माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ अप्रोच? श्योर? जल्दी वो बोल रहा है कि इस पूरे समेशन की वैल्यू जो है वो 4√2 है, तो थीटा निकालो क्या हो। समेशन लग रहा है एम के ऊपर, एम की वैल्यू 1 से लेके जा रही है 6। ठीक, तो ये दोनों में डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएंगी, साइन। तो बेसिकली क्या दे रखा है, 1 बाय साइन थीटा प्लस एम पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर साइन थीटा प्लस एम पाई बाय फोर। ये समझे? राइट। अब देखो, दिस माइनस दिस किया तो ये सारा का सारा तो कटेगा, और दिस माइनस दिस करके इसका नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाय। तो इसलिए मैंने क्या किया, साइन के दोनों के डिफरेंस से दैट इज पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इधर तो 1 बाय साइन पाई बाय 4, और इधर जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा साइन पाई बाय 4 नहीं आएगा, वो दिस माइनस दिस आएगा, यानी कि थीटा प्लस एम पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय। राइट, ये एम माइनस 1 पाई बाय 4 है ना एट द एंड, सब्ट्रैक्ट होके पाई बाय 4 आएगा, इसलिए मैंने वो ओपन करके दिखाया था। तो अब साइन ए माइनस बी लगाओ, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस एम पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस थीटा प्लस एम पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन पहले का साइन दूसरे का, डिवाइडेड बाय साइन पहले का साइन दूसरे का इंटू 1 बाय साइन पाई बाय 4, ये आ गया। अब देखो, ये साइन साइन वाली टर्म कटी, ये साइन साइन वाली टर्म कटी, तो क्या बन जाएगा, कॉट। तो कॉट थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस एम पाई बाय 4, ये आ जाएगा इंटू 1 बाय साइन पाई बाय 4। ये साइन 1 बाय पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 बाय √2, तो बेसिकली आ जाएगा √2। इसके ऊपर अब मेरा समीशन लग रहा है एम इज इक्वल टू 1 से लेके 6। अब सबसे पहले मैंने 1 पुट कराया, राइट, 1 पुट करा के क्या जाएगा, कॉट थीटा प्लस ये 0 हो जाएगा थीटा माइनस कॉट इधर क्या आ जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। अगला 2 पुट करा के, कॉट थीटा प्लस 2 माइनस 1 1, तो दैट इज पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाय 4, एंड सो ऑन टिल लास्ट वाला 6 पुट करा के, कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 इंटू पाई बाय 4। अब देखो, इंटू सबका √2 कॉमन आके √2, एंड दैट इज गिवन टू बी 4√2। ये √2 √2 कटा, हर एक का पॉजिटिव अगले नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ कटता है, तो क्या बचा, कॉट थीटा माइनस कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 4। ये क्लियर हुआ, 3 पाई बाय 2 आ गया ना, ये 2 पे कट के, तो 3 पाई बाय 2 क्या होता है, वर्टिकल एंगल, कॉट विल बी कन्वर्टेड टू टेन थीटा, दैट इज 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा दैट इज 4। तो कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस दैट इज 4, एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, नीचे आ गया 1 बाय साइन इंटू कॉस दैट इज 4। तो 2 इधर ही रखो, 1 2 नीचे ले आओ, साइन कॉस को ऊपर ले आओ, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन कॉस दैट इज साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हाफ आ गया। क्लियर हुआ ना, श्योर?
ये था इसका एग्जैक्ट।